नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड कॉलोनी फॉर्मेशन इन एसिडियन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसिडियन क्या होती हैं और फिर देखेंगे हम उनकी गोनेड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, किस टाइप के होते हैं, किस टाइप से ये अरेंज होते हैं, किस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर हम देखेंगे उनके डेवलपमेंट के कितने स्टेप में डेवलपमेंट होता है या लाइफ साइकिल इनकी किस टाइप से कंप्लीट होती है, जिसमें हम डेवलपमेंट में सबसे पहले स्टेप पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर दूसरा स्टेप होगा हमारा लार्वा डेवलपमेंट या लार्वल स्ट्रक्चर, फिर हम लार्वा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट में ये डिवाइड होता है, और फिर देखेंगे हम मेटामॉर्फोसिस कि एक लार्वा किस टाइप से लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है रिप्रोडक्शन एंड कॉलोनी फॉर्मेशन इन एसिडियन, जिसमें हम देखेंगे कि एसिडियन में कॉलोनी की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस टाइप से कंप्लीट होती है। एसिडियन प्रोकॉर्डेट होते हैं। प्रोकॉर्डेट को आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा है, जिसमें आपने थ्री सबफाइलम पढ़े थे, एक हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में हम एसिडियन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपने हर्टमानिया को पढ़ा था। यूरोकॉर्डेट मीन्स होता है, यूरो मीन्स होता है टेल और कॉर्डेट मीन्स होता है नोटोकॉर्ड। ऐसे एनिमल्स होती हैं एसिडियन जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लाइफ की किसी भी स्टेज में। तो देखते हैं कि किस टाइप से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इंट्रोडक्शन, ऑल एसिडियन या ट्यूनिकेट हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल यूरोकॉर्डेट हैं। ऑल सभी एसिडियन, एसिडियन का मीन्स होता है जलोदर, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में वाटर क्या रहता है कंटेंट या स्टोर रहता है, उन्हें क्या कहते हैं एसिडियन कहते हैं। एसिडियन को से स्क्वायर्ड भी कहते हैं। ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर ट्यूनिक या टेस्ट की बनी कवरिंग होती है। जैसे आपने हर्डमानिया की बॉडी सरफेस पर देखी किस टाइप से टेस्ट की बनी क्या होती है, कवरिंग होती है। आगे देखते हैं हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के क्या होते हैं, गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं द्विलिंगी या वैलिंगी भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेट होते हैं, यूरो मींस हमने बताया था, यूरो मींस कहते हैं टेल होती है, कॉर्डेट मींस नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल जिनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं बट एसिडियन में प्रोटोगाइनस कंडीशन देखी जाती है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट तो होते हैं बट इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखी जाती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मीन्स होता है कि मेल और फीमेल दोनों गोनेड्स प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में, बट प्रोटोगाइनस कंडीशन के कारण इनकी बॉडी में सबसे पहले जो फीमेल गोनेड है वो मेच्योर होता है, फिर बाद में जो मेल टेस्टिस होती हैं या गोनेड होते हैं वो क्या होते हैं मेच्योर होते हैं। तो सबसे पहले क्या मेच्योर होगा फीमेल, क्या बनेंगे ओवम बनेंगे सबसे पहले, इसीलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बाइसेक्सुअल है, अगर दोनों ही जो गोनेड्स हैं वो मेच्योर होते हैं तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता था, बट पहले फीमेल गोनेड्स मेच्योर होते हैं फिर बाद में मेल गोनेड्स क्या होते हैं मेच्योर होते हैं, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें दो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल उनके जो गैमेट्स हैं वो जब आपस में फ्यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो एसिडियन है उसमें क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आगे देखते हैं एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन को एक बार और समझ लीजिए, दो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल उनकी गैमेट्स, जैसे मेल और फीमेल हैं दो इंडिविजुअल हैं उनके गैमेट्स स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं एक ही इंडिविजुअल के स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं इनके गोनेड एक दूसरे के अंदर
इम्बेडेड होती हैं। टेस्टिस और ओवरी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए होते हैं। एसिडियन में टू सेपरेट लार्ज गोनेड बॉडी वॉल में एट्रियम में सस्पेंडेड होते हैं। जो एसिडियन है उसमें टू सेपरेट क्या पाए जाते हैं, गोनेड पाए जाते हैं, एक एट्रियम की तरफ, एट्रियम का मीन्स होता है एक लार्ज कैविटी होती है जो एसिडियन होते हैं उनकी बॉडी में, से आप देख सकते हैं। आप फैट में देखेंगे एट्रियम फेरिंग्स तो दोनों तरफ के होते हैं, ये एसिडियन में गोनेड के उसमें लगे हुए होते हैं, एक तरफ एट्रियम से और दूसरी तरफ पेरिकार्डियम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आगे देखते हैं, राइट गोनेड पेरिकार्डियम से अटैच होता है जबकि लेफ्ट गोनेड इंटेस्टाइनल लूप में प्रेजेंट होता है। आप एक बार फिर देख लीजिए डायग्राम, इसमें आप एट्रियम और फेरिंग्स दिख रही है जो एक लार्ज कैविटी है जिसकी लेफ्ट साइड पर गोनेड प्रेजेंट है और नीचे की साइड पर इंटेस्टाइनल लूप है और जो राइट साइड है उधर की साइड पर हार्ड है और उधर जो राइट गोनेड है वो प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियम से क्या होता है, अटैच होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए गोनेड, तो देखते हैं किस टाइप के गोनेड होते हैं। एसिडियन में गोनेड को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। देखेंगे इसमें किस टाइप से जो बोथ गोनेड हैं जैसे ओवरी और टेस्टिस किस टाइप से एक दूसरे में एम्बेडेड होते हैं। आगे देखते हैं एसिडियन अडल्ट में 3-4 सेमी लॉन्ग, 1 सेमी रॉड लाइक, 2 सेमी थिक, इलॉन्गेटेड लोब्ड एंड मिक्स ग्लैंड या गोनेड प्रेजेंट होते हैं। जो एसिडियन अडल्ट होता है उसमें जो गोनेड होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 3-4 सेमी होती है। ऐसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो 3-4 सेमी लॉन्ग होते हैं और 1 सेमी यहाँ पर क्या होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे आप देख पा रहे हैं, और 2 सेमी क्या होता है, थिक होता है, थोड़ा चौड़ा या मोटा होता है और इलॉन्गेटेड लोब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, लोब प्रेजेंट है, और ये क्या है, मिक्स ग्लैंड या गोनेड हैं क्योंकि इनमें जो ओवरी है और जो टेस्टिस है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इम्बेडेड हैं, एक दूसरे में धसे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये लोब बने हुए हैं, इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू ब्लू वाला पार्ट है वो ओवेरियन पार्ट है और जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है वो टेस्टिकुलर पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। देखते हैं आगे, ईच गोनेड में, प्रत्येक गोनेड में 20-25 क्लियर ओवल या राउंडेड लोब सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। जैसे आप दोनों तरफ देखेंगे लगभग 20-25 क्या है, ये लोब हैं और लीनियर फैशन में सेंट्रल एक्सिस, ये क्या बीच वाली सेंट्रल एक्सिस क्या है, अटैच हैं लीनियर फैशन में। आगे देखते हैं, बट टर्मिनली एक सिंगल कंपैरेबिलिटी लार्ज गोनेड प्रेजेंट होता है। एक टर्मिनली आप देखेंगे एक लार्ज क्या है, गोनेड प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, इसे मीडियल लोब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मीडियल लोब कहते हैं। इसमें भी जब ऊपर की साइड देखते हैं हम तो ओवेरियन लोब है और नीचे टेस्टिकुलर पार्ट है। आगे देखेंगे ये बीन शेप्ड होता है और इसका शेप क्या होता है, बीन, जो बीन का सीड होता है उसके टाइप का होता है। इस लोब ब्रिक रेड कलर के होते हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और इनका जो कलर होता है वो हल्का हल्का कैसा होता है, रेड होता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड है प्रत्येक लोब, ईच लोब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट है, नंबर 1 है ओवेरियन लोब और नंबर 2 टेस्टिकुलर लोब, जिसे हम ओवेरियन पार्ट भी कहते हैं और टेस्टिकुलर पार्ट भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से, जो ब्लू वाला पार्ट है वो ओवेरियन लोब है और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो टेस्टिकुलर लोब है या टेस्टिकुलर पार्ट है। आगे देखते हैं, ओवेरियन लोब ओवेरियन डक्टाइल के द्वारा स्पर्मेटिक डक्ट से अटैच होते हैं। जो ओवेरियन लोब होते हैं वो स्पर्मेटिक डक्ट से, आप यहाँ पर देखेंगे जो ब्लैक वाली जो डक्ट है वो स्पर्मेटिक डक्ट है, उससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्पर्म डक्टाइल स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए जर्मिनल इपिथेलियम को एराइज करते हैं। जो टेस्टिकुलर पार्ट है उसमें क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती हैं और स्पर्मेटोसाइट होती है जो जर्मिनल इपिथेलियम को क्या करती है, एराइज करते हैं। जर्मिनल सेल होती हैं
उनमें डिवीजन होता है माइटोसिस, जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और वो सेल कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। आगे देखते हैं, सिमिलरली ओवेरियन लोब ओवम को अराइज करते हैं, जैसे स्पर्म अराइज होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, उसी टाइप से ओवेरियन लोब में या ओवेरियन पार्ट में ओवम की फॉर्मेशन होती है, तथा एसिडियन का गोनड मिक्स ग्लैंड होता है। इसीलिए जो एसिडियन के गोनड होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इसमें ओवेरियन और टेस्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्म और ओवम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं, जिसे ओवा टेस्टिस कहते हैं, इसमें ओवरी और टेस्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गोनोडक्ट। तो देखते हैं गोनोडक्ट क्या होती है और किस टाइप से ये फंक्शन करती है। गोनोडक्ट, गोनड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, गोनड कहते हैं। जैसे ओवरी से निकलने वाले डक्ट को ओविडक्ट कहते हैं, और जो टेस्टिस से निकलती है और स्पर्म को ले जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, ईच गोनड में सेंट्रल एक्सिस की तरफ 2 गोनोडक्ट अराइज होती हैं, नंबर 1 ओविडक्ट, नंबर 2 स्पर्मेटिक डक्ट। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक गोनड से, ईच गोनड से सेंट्रल एक्सिस की तरफ, जो बीच में सेंट्रल एक्सिस है या ट्यूब है, उसकी तरफ 2 क्या होती है, गोनोडक्ट अराइज होती हैं, एक ओवेरियन पार्ट से और दूसरी टेस्टिकुलर पार्ट से। ओवेरियन जो पार्ट है उससे अराइज होने वाले डक्ट को क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, जो ओवम को ले जाने का या रिलीज करने का क्या करती है, फंक्शन करती है। और नंबर 2 है हमारे स्पर्मेटिक डक्ट, जो टेस्टिकुलर पार्ट से क्या होती है, अराइज होती है, जो स्पर्म को कहते हैं ले जाती है और जो ओपनिंग होती है वहां पर रिलीज कर देती है। आगे देखते हैं, ओविडक्ट की फॉर्मेशन न्यूमरस ओवेरियन डक्टाइल के द्वारा होती है, जबकि स्पर्मेटिक डक्ट की फॉर्मेशन स्पर्मेटोडक्टाइल के द्वारा होती है। जो ओविडक्ट है उसकी फॉर्मेशन अनगिनत ओवेरियन डक्टाइल से होती है, जो ओवरी जो पार्ट है, ओवेरियन पार्ट है, ओवेरियन लूब है, वहां से अराइज होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू वाला पार्ट है वो ओवेरियन डक्टाइल है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ओविडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और न्यूमरस स्पर्मेटिक डक्टाइल मिलकर जो टेस्टिकुलर पार्ट्स क्या होती हैं, अराइज होती है, और वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक स्पर्मेटिक डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो स्पर्मेटिक डक्ट का है। आगे देखते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट को बास डिफरेंस भी कहते हैं, और जो स्पर्मेटिक डक्ट है उसे बास डिफरेंस भी कहते हैं। ओविडक्ट एट्रियम में एनस के जस्ट पीछे एक ब्रूड ओपनिंग के द्वारा ओपन होती है। जो ओविडक्ट है वो एट्रियम में एनस के जस्ट पीछे एक ओपनिंग के द्वारा क्या होती है, ओपन होती है, जिसे ओवी डुकल एपर्चर कहते हैं। आगे देखते हैं, जबकि स्पर्मेटिक डक्ट ओवी डुकल एपर्चर के जस्ट नीचे एक फ्री स्पर्मी डुकल एपर्चर द्वारा ओपन होता है। और जो स्पर्मेटिक डक्ट है, जो स्पर्म को ले जाती है, वो ओविडुकल एपर्चर के जस्ट नीचे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वहां पर ओपन होती है, इसके ओपनिंग को कहते हैं स्पर्मी डुकल एपर्चर कहते हैं। और यहाँ से जो स्पर्म है वो आउटसाइड रिलीज कर दिए जाते हैं, और जो ओविडुकल एपर्चर है वहां से ओवम को रिलीज कर दिया जाता है। आप इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे, ये है गोनड ऑफ एसिडियन, इस टाइप के गोनड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, गैमेट, किनमें किस टाइप के गैमेट होते हैं। अब हमारा हेडिंग है गैमेट्स, तो देखते हैं एसिडियन में गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। गैमेट्स आप जानते हैं कि जो फीमेल गैमेट्स होता है उसे हम ओवम कहते हैं, और जो मेल गैमेट्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं। तो देखते हैं स्पर्म और ओवम किस टाइप के होते हैं एसिडियन में। एसिडियन में टेस्टिकुलर लोब के द्वारा स्पर्म की, जबकि ओवेरियन लोब के द्वारा ओवम की फॉर्मेशन होती है। जब हमने गोनड का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने देखा कि जो लोब है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक टेस्टिकुलर लोब और दूसरा पार्ट था हमारा ओवेरियन लोब। अब टेस्टिकुलर पार्ट को टेस्टिस भी कह सकते हैं, जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो ओवेरियन लोब है या ओवरी होती है उसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब है हमारा हेडिंग नंबर 1 स्पर्म, ये क्या है, मेल गैमेट्स है। तो देखते हैं एसिडियन में इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है।
एक मैच्योर स्पर्म माइक्रोस्कोपिक अबाउट 4 म्यू लॉन्ग होता है, जो एसिडियम का स्पर्म होता है जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर या इसका जो साइज होता है वो 4 म्यू होता है और देखने में माइक्रोस्कोपिक होता है या सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसके बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है हेड, दूसरा मिडिल पीस और टेल। जैसे मैमल्स का जो स्पर्म होता है उसी की तरह एसिडियम का भी स्पर्म होता है। तो देखते हैं आगे। नंबर ए है एंटीरियर मोस्ट लून पार्ट है बियर बीक लाइक एक्रोसोम एंड लार्ज न्यूक्लियर। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हेड कहते हैं, और इसकी जो बीक पर चोंच पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होती है और इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं हाफ होते हैं या आधे होते हैं। बी है हमारा पार्ट शॉर्टेस्ट एंड मिडिल नैरो नेप या मिडिल पीस। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट क्या होगी नेप होगी और मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं फिल होते हैं, जो जो स्पर्म को क्या करते हैं मोटाइल या मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सी पोस्टीरियर मोस्ट फ्लैजेलेटेड टेल, और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो टेल होती है और जो क्या होती है फ्लैजिला की तरह होती है, और जो इसका क्या होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो इसे मूवमेंट करने में क्या करता है हेल्प करता है स्पर्म के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट एसिडियम के क्या देख सकते हैं स्पर्म देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं। अब है हमारा सेकेंड पार्ट टू ओवम। देखते हैं एसिडियम में ओवम किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एसिडियम में ओवेरियन लोब के द्वारा लार्ज राउंडेड या ओवल नियर अबाउट 0.3 mm डायमीटर के एग या ओवम प्रोड्यूस होते हैं, और जो एसिडियम के ओवम होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं और ओवेरियन लोब या ओवरी से क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, जिनका जो डायमीटर होता है व्यास होता है वो 0.3 mm का होता है, जिन्हें क्या कहते हैं एग कहते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और ये भी क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ या आधा होता है। आगे देखते हैं इनमें सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सेंटर में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें एक स्मॉल राउंडेड बॉडी न्यूक्लियोलस पाई जाती है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं, जिसके अंदर एक राउंडेड न्यूक्लियोलस पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, जिसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल में डेंस कवरिंग पाई जाती है, और जो न्यूक्लियस है इसमें क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब इनमें डिवीजन होता है जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं अब हमारा हेडिंग है बेटेलाइन मेम्ब्रेन आउटर कॉरियन एंड इनर कॉरियन, जो ओवम की क्या होती है मेम्ब्रेन होती है। तो देखेंगे हम किस टाइप से ये अरेंज होती है। बेटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन सेल्फ ओवम के द्वारा होती है। जो बेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है ओवम में, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन है आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, वो बेटेलाइन मेम्ब्रेन है जिसकी फॉर्मेशन सेल्फ ओवम के द्वारा होती है, जबकि बोथ कॉरियन आउटर इनर की फॉर्मेशन फॉलिकुलर सेल के द्वारा होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो ब्लू वाली लाइन है जो बाहर वाली है उसे आउटर कॉरियन कहते हैं, और जो इनर वाली लाइन है ब्लू वाली उसे इनर कॉरियन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप पे, और इनकी जो फॉर्मेशन है वो फॉलिकुलर सेल के द्वारा होती है। ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है वो फॉलिकुलर सेल है जिससे आउटर और इनर कॉरियन की फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं बेटेलाइन मेम्ब्रेन एंड कॉरियोनिक मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बेटेलाइन मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाद जो ब्लैक ब्लैक लाइन है या मेम्ब्रेन उसे क्या कहते हैं बेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके जस्ट ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है वो इनर कॉरियम है, और इनके जो बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं प्री बेटेलाइन स्पेस कहते हैं, जिसमें प्री बेटेलाइन फ्लूड क्या होता है फील्ड होता है, और जो जो फॉलिकुलर सेल है वो उसमें फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं जिसे प्री बेटेलाइन स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर प्री बेटेलाइन फ्लूड फील्ड होता है जिसमें स्मॉल साइज फॉलिकुलर सेल फ्लॉट
करती रहती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जी, फ्लोटिंग कर रही हैं जी, फॉलिकुलर सेल हैं। आगे देखते हैं, और एक ऐसे एंजाइम को सिक्रेट करती हैं जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो फ्लोटिंग सेल्स हैं बेटलाइन मेम्ब्रेन पर, वो एक ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं जो आउटर और इनर कोरियोन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है या उसे डिजॉल्व कर देता है, जिससे मैच्योर ओवम बाहर आ जाता है और फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है। आउटर फॉलिकुलर सेल ओवम को वाटर में फ्लोटिंग प्रोवाइड कराती हैं। जो आउटर फॉलिकुलर सेल दिखाई दे रही हैं, जब ओवम को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है तो जो आउटर फॉलिकुलर सेल्स हैं वो ओवम को फ्लोटिंग स्विंग करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जो एसिडियन होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें ओवम को और स्पर्म को आउटसाइड वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉलोनी फॉर्मेशन, देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट या लाइफ साइकिल या कॉलोनी फॉर्मेशन, जिनकी जो टोटल स्टेज होती हैं इन हेडिंग्स में वो सेम होती हैं। अब तक हमने क्वेश्चन में देखा कि जो एसिडियन हैं उनके गोनड्स से डिफरेंट टाइप के जो गैमेट से उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसमें हमने स्पर्म और ओवम के बारे में देखा। जब स्पर्म और ओवम मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें एसिडियन की बॉडी से आउटर वाटर में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल की स्पर्म और ओवम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब जो जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है, यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लीवेज होता है। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा है कि किस टाइप से क्लीवेज होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्लीवेज, गेस्टुलेशन और ब्लास्टुलेशन, एग जर्म लेयर से जो क्वेश्चन है वो हमने आपको कराए हैं। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं। जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आती हैं, जैसे ब्लास्टुला, गैस्टुला। गैस्टुला के बाद क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं। अब हम इसमें यही देखेंगे किस टाइप से इसमें डेवलपमेंट होता है। देखते हैं हार्डमानिया एंड ऑल एसिडियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म को और ओवम को बॉडी से आउटसाइड वाटर में रिलीज कर दिया जाता है और बॉडी से बाहर उनका फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने हार्डमानिया बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होती है हार्डमानिया। ये तो होते हैं यूरोकॉर्डेट होते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि एसिडियन हर्मोफ्रोडाइट प्रोटोगाइनस होते हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो एसिडियन होते हैं वो बाइसेक्सुअल या ओवेलिंगी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के गोनड्स पाए जाते हैं, बट इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। हमने आपको बताया था शुरू में कि प्रोटोगाइनस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल गोनड पहले मैच्योर होते हैं और ओवम की फॉर्मेशन करते हैं, फिर बाद में जो मेल गोनड होते हैं वो मैच्योर होते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट इंडिविजुअल के स्पर्म और ओवम के द्वारा जब फ्यूज होते हैं तब होता है। आगे देखते हैं, जिनमें फीमेल गैमेट ओवम म्यूचुअल होकर वाटर में रिलीज हो जाते हैं, जबकि स्पर्म डिले डिस्चार्ज होता है। जो फीमेल गैमेट ओवम होते हैं उन्हें पहले रिलीज कर दिया जाता है, बाद में स्पर्म को क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। एक एनिमल का ओवम किसी दूसरे एनिमल के स्पर्म के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता एंड फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। जो ओवम और स्पर्म होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और जब ये फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन होता है और क्या होता है, जाइगोट बनता है, वो क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट होता है, डिप्लॉयड सेल होती है। अब इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, इसे टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन पार्ट है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नंबर टू लार्वल डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे
नंबर वन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो क्लीवेज के बाद कौन कौन सी स्टेज आती है, किस टाइप से लार्वा की फॉर्मेशन होती है, फिर लार्वा स्टेज में देखेंगे किस टाइप से लार्वा बनता है और उस लार्वा का किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एसिडियल में। तो देखते हैं नंबर वन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट लगभग हाफ एन आवर बाद क्लीवेज स्टार्ट करता है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है तो उसके आधे घंटे बाद ही उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज कॉज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज वह क्लीवेज होता है जिसमें होलोमीन्स होता है टोटल, जिसमें कंप्लीट जाइगोट क्या होता है डिवाइड हो जाता है, और डिटर्मिनेट क्लीवेज उसे कहते हैं जिसकी जो सेल है वो डिटर्मिनेट होते हैं कि आगे चलकर किस टाइप के ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगी। आगे देखते हैं जब इनमें सेल्स नंबर 64 हो जाता है तो वह एक फ्लैट सिंगल लेयर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया तो क्या आई मोरूला स्टेज आई। मोरूला स्टेज के बाद जो सेल्स बनी उसमें वो क्या होती है पेरिफेरी पर क्या होती है अरेंज हो जाती हैं, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं ब्लास्टुला कहते हैं, जिसमें बीच में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं इसमें सिंगल लेयर बनती है, उसे क्या कहते हैं लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, इसीलिए इसमें ब्लास्टोसिस्ट वेरी लार्ज होती है और जो बीच में जो कैविटी होती है उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं, अतः एसिडियल ब्लास्टुला कहलाता है, और ये क्या कहलाता है ब्लास्टुला कहलाता है, ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है। अब इसमें इनवेजिनेशन द्वारा गैस्टुला स्टेज का कन्वर्जन होता है। आपने गैस्टुलेशन में पढ़ा है कि जब ब्लास्टुला में क्या होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पढ़े थे आपने, एक इम्बोली और इकोवोली, जिसमें इनवेजिनेशन या पॉली इनवेजिनेशन या फोल्डिंग होती है जिससे स्टेज आती है, और गैस्टुलेशन स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जर्म लेयर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जैसे एक्टोडर्म मीडियोडर्म और एंडोडर्म। आगे देखते हैं जिसमें अर्चिंट्रॉन फॉर्म होती है, जो ब्लास्टोसील होती है ब्लास्टुला की वो अर्चिंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, और अर्चिंट्रॉन की जो ओपनिंग होती है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, और आगे चलकर जो अर्चिंट्रॉन है वो एलिन के कैनाल में क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी ओपनिंग ब्लास्टोपोर कहलाती है, और जो अर्चिंट्रॉन होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो ब्लास्टोपोर कहलाती है। अब हम देखेंगे सेकेंड डेवलपमेंट लार्वा डेवलपमेंट, यहाँ पर हमारा गैस्टुलेशन तक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे लार्वा डेवलपमेंट, जब ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाती है तो टेल के रेडिमेंट्री पार्ट को फॉर्म करता है जो गैस्टुला होता है वो। अब एम्ब्रियो इलॉन्गेटेड होकर एक टेल्ड फॉर्म करता है, जो ग्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो है वो क्या होता है इलॉन्गेटेड होता है और एक टेल की फॉर्मेशन होती है, जिसे डेवलपमेंट की लार्वल स्टेज कहते हैं, और जो गैस्टुलेशन के बाद जब जो एम्ब्रियो है वो इलॉन्गेटेड होता है और उसमें एक टेल्ड बन जाती है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं हम लार्वल स्टेज कहते हैं। आगे देखते हैं अब है हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेल्ड पोल लार्वा, और जो लार्वल स्टेज में जो लार्वा बनता है उस लार्वा को कहते हैं टेल्ड पोल लार्वा कहते हैं। टेल्ड पोल लार्वा एम्फीबियन के लार्वा होती है, जैसे आपने फ्रॉग का लार्वा देखा होगा वो क्या होता है टेल्ड पोल होता है, और उसी की तरह जो एसिडियन के लार्वा हैं वो भी टेल्ड पोल लार्वा होते हैं, उन्हीं की तरह क्या होता है उनका स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, एसिडियन लार्वा एक स्मॉल एम्फीबियन टेल्ड पोल लाइक होता है, जो एसिडियन का लार्वा होता है वो एम्फीबियन जैसे फ्रॉग होते हैं उनके लार्वा की तरह होता है। ये ट्रांसपेरेंट मच स्मॉलर अबाउट 1.2 mm लॉन्ग एंड मोर मोटाइल होता है, ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, स्मॉलर होता है छोटा होता है, और इसका जो साइज होता है वो लगभग 1.2 mm लॉन्ग होता है, और ये मोर मोटाइल होता है, ये मूवमेंट करता है या फास्टली मूवमेंट करता है। इसकी बॉडी एक्टोडर्म के द्वारा सिक्रेटेड ट्यूबिक या टेस्ट के द्वारा कवर होती है, इसके टू पार्ट होते हैं, और इनकी जो बॉडी की एक्टोडर्म होती है उसके द्वारा एक सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है, उसे कहते हैं ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं, जिससे कम्प्लीटली जो लार्वा है उसका माउथ है वो भी क्या होता है कवर्ड हो जाता है। इसके
टू पार्ट होते हैं, टेडपोल लार्वा है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर वन हेड एंड ट्रंक और नंबर टू टेल। तो अब हम देखेंगे कि हेड एंड ट्रंक एंड उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ टेडपोल लार्वा का, नंबर वन हेडिंग हेड एंड ट्रंक। तो देखते हैं जो टेडपोल लार्वा है उसका हेड एंड ट्रंक किस टाइप का होता है, उसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे नंबर टू टेल की किस टाइप की टेल होती है टेडपोल लार्वा की। देखते हैं ये ओवल सिलेंड्रिकल लगभग 0.3 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो हेड एंड ट्रंक है, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जो हेड एंड ट्रंक है वो ओवल है, ओवल दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल है थोड़ा, और इसकी जो लंबाई है वो 0.3 mm लॉन्ग है। इसके अपर पार्ट में नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि टेल से लेकर जो हेड है वहाँ तक नर्व कॉर्ड क्या है फैली होती है, और जो नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट है वो हेड में क्या है प्रेजेंट है, या हेड के अपर पार्ट में क्या है प्रेजेंट है। आगे देखते हैं जिसके अंदर लार्वा के सेंसरी ऑर्गन ऑटोसाइट एंड ओसिलाई ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। जो नर्व कॉर्ड होती है हेड या ट्रंक रीजन में या नर्व कॉर्ड का जो पार्ट होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन ऑटोसाइट एंड ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर ऑटोसाइट और ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं। जो ऑटोसाइट ऑर्गन होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो इनर ईयर का काम करते हैं, और जो ओसिलाई होते हैं वो फोटो रिसेप्टर या आई की तरह लार्वा में फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं जो रेस्पेक्टिवली ऑडिटरी एंड फोटो रिसेप्टर हैं, जो ऑटोसाइट है वो ऑडिटरी ऑर्गन है जो इनर ईयर की तरह फंक्शन करता है, एंड जो फोटो रिसेप्टर है वो ओसिलाई है जो आई की तरह क्या करता है फंक्शन करता है लार्वा में। ऑटोसाइट बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ जो लार्वा है उसकी बॉडी को वाटर में बैलेंस करने में भी क्या करते हैं हेल्प करते हैं। इसका माउथ एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो हेड है उसके एंटीरियर एंड पर क्या है माउथ प्रेजेंट है। आगे देखते हैं जिसे ब्रांचियल एपर्चर कहते हैं, और जो माउथ वाला पार्ट है या माउथ की जो ओपनिंग है, जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो माउथ की ओपनिंग को ब्रांचियल एपर्चर कहते हैं, जो पीछे की तरफ ब्रांचियल साइफोन के द्वारा फेरिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे की तरफ जो साइफोन देख रहे हैं वो फेरिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक स्मॉल ट्यूबुलर इसोफेगस ब्रूड स्टोमच एंड इलॉन्गेटेड इंटेस्टाइन एंड एनस प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए माउथ माउथ के बाद फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद क्या आता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद एक आपको स्टोमच दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्टोमच, स्टोमच के बाद यह लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे आप स्टोमच के पास में देखेंगे तो क्या है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है वो एनस है। आगे देखते हैं फेरिंग्स में ब्रांचियल रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट की फॉर्मेशन हो जाती है, और आप यहाँ पर फेरिंग्स देखेंगे फेरिंग्स में क्या गिल स्लिट की फॉर्मेशन हो जाती है, गिल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसे कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं फेरिंग्स के फ्लोर पर एक वेल डेवलप्ड एंडोस्टाइल पाई जाती है, और जब हम फेरिंग्स के फ्लोर पर देखते हैं तो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं एनस एट्रियल कैविटी में ओपन होती है, और जो एनस है वो एट्रियल कैविटी में ओपन होती है, जो आउटसाइड एरियल एपर्चर या क्लॉकर द्वारा ओपन होती है एनस। फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट पर एक इलॉन्गेटेड वेसिकल फॉर्म हो जाती है, हेड एंड टेल के जंक्शन पर मेरिनकाइमल सेल ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। जब हम फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट पर देखते हैं यहाँ पर ये फेरिंग्स है, इसका एंटीरियर पार्ट ये है और पोस्टीरियर पार्ट ये है, वहाँ पर क्या होती है एंडोस्टाइल होती है, और जो टेल है और उस हेड है उसके जंक्शन पर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टेल और हेड के जंक्शन पर
कुछ सेल क्या होती है ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेसेंकाइमल सेल कहते हैं। आगे देखते हैं, लार्वा में एंटीरियर पार्ट पर थ्री एडहेसिव पेपिलाई फॉर्म हो जाती हैं। जब हम लार्वा के हेड का एंटीरियर पार्ट देखते हैं तो हमें थ्री एडहेसिव पेपिलाई दिखाई देते हैं। जैसे आप देखेंगे दो लेटरल साइड पर होते हैं और एक मिडिल में होता है। जो एडहेसिव ऑर्गन होते हैं या पेपिला होते हैं वो लार्वा को किसी भी सब्सटेंस से अटैचमेंट में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, जिनमें वन मीडियन एंड टू लेटरल होते हैं, जो दो लेटरल साइड पर होते हैं और एक मिडिल में होता है। इस लार्वा में फीडिंग इनहिबिट होती है और जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें फीडिंग स्टॉप होती है। फीडिंग ये फीडिंग नहीं करता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है टेस्ट या ट्यूनिक की कवरिंग होती है, जिससे इसका माउथ और एनस दोनों क्या होते हैं इंक्लोज होते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि इनकी बोथ ओपनिंग यानी कि माउथ और एनस टेस्ट के द्वारा कंप्लीटली कवर्ड होती हैं। यहाँ पर हमारा हुआ नंबर वन हेडिंग हेड एंड ट्रंक स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा का। अब है हमारा टू टेल, तो देखते हैं टेल इसकी किस टाइप की होती है। ये टैडपोल का लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो टेल है वो लार्वा की लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है या स्विंग करता है। जो मोर पावरफुल 0.9 mm लॉन्ग एंड लिटरली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है और इसका जो साइज होता है वो 0.9 mm होता है और लिटरली क्या होती है कंप्रेस्ड होती है, दबी हुई होती है साइड से। और क्या है पावरफुल ऑर्गन है क्योंकि इसमें क्या होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं, टेल के चारों तरफ टेस्ट के द्वारा टेल फिन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है टेल फिन है, वो किसका बना होता है ट्यूनिक या टेस्ट का बना होता है, जिसे नोटोकॉर्ड द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है नोटोकॉर्ड है और इसके द्वारा जो टेल है उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। नोटोकॉर्ड ओनली टेल में ही लिमिटेड होती है और जो लार्वा होता है उसकी टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और अडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी तो जो नोटोकॉर्ड है वो डिजनरेट हो जाती है, इसीलिए इस टाइप के एसिडियन को यूरोकॉर्डेट में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इनके टेल में ही क्या पाई जाती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर न्यूरॉन्स की बनी हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टेल से हेड तक फैली हुई है जिसके ऊपर नर्व गैंग्लियन होती हैं और यहाँ पर क्या होती है नर्व गैंग्लियन होती हैं और उनसे नर्व फाइबर निकले हुए होते हैं जो थिन नर्व फाइबर को एराइज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप का ये स्ट्रक्चर किसका है टैडपोल लार्वा का है एसिडियन के। यहाँ पर हमारा जो लार्वा है वो भी कंप्लीट हुआ और हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप से मेटामॉर्फोसिस होती है और जो लार्वा है वो एडल्ट में किस टाइप से कन्वर्ट होता है, तो देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मीन्स होता है लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो देखते हैं एसिडियन में किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस टू टाइप की होती है, नंबर वन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और नंबर टू रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वह मेटामॉर्फोसिस होती है जिसमें सिंपल लार्वा से कॉम्प्लेक्स अडल्ट की फॉर्मेशन होती है और जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें कॉम्प्लेक्स लार्वा से सिंपल अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं कि एसिडियन में किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एसिडियन में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। जो एसिडियन होते हैं उसमें रिट्रोग्रेसिव टाइप की क्या होती है मेटामॉर्फोसिस होती है। इनका लार्वा क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इनका जो अडल्ट बनता है मेटामॉर्फोसिस के बाद वो सिंपल होता है क्योंकि इनके जो लार्वा होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जो अडल्ट होता है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, इसीलिए इसमें किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। देखते हैं आगे, बट
टेंटपोल लार्वा में बोथ टाइप की चेंजेस इंक्लूड होते हैं, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। नंबर वन रिट्रोग्रेसिव चेंजेस और नंबर टू प्रोग्रेसिव चेंजेस, जिसमें हम देखेंगे कि रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में किस टाइप के ऑर्गन डीजनरेट होते हैं और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में किस टाइप के न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो नंबर वन है हमारा रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, तो देखते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में किस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर डीजनरेट होते हैं। इसमें टेंटपोल लार्वा के सम स्पेसिफिक पार्ट डीजनरेट होने लगते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं टेंटपोल लार्वा के वो डीजनरेट होते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें टिश्यू डिस्ट्रैक्शन एंड सम स्ट्रक्चर का लॉस हो जाता है, ऐसे चेंजेस को डीजनरेटिव चेंजेस भी कहते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं जो फॉलोइंग है। नंबर वन है लार्वा का टेल फिन एंड टेल थिक होकर शॉर्ट होने लगती है, जो टेल फिन था हमने देखा था जो ट्यूनिक या टेस्ट का बना हुआ था वो क्या होता है थिक हो जाता है या शॉर्ट होने लगता है। इसमें टेल का सब पार्ट हेड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जबकि सब पार्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है हेड पार्ट से। आगे देखते हैं नंबर टू टेल मसल नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड डिसअपीयर एंड डीजनरेट होने लगती हैं, जो टेल में मसल्स होती हैं नर्व कॉर्ड होती है और नोटोकॉर्ड होते हैं वो डिसअपीयर या डीजनरेट हो जाती है। नंबर थर्ड देखते हैं इसकी थ्री एडहेसिव पेपलाई फ्यूज होकर एक इलांगेटेड एडहेसिव पेपलाई की फॉर्मेशन करती हैं, जैसे हमने देखा था कि जो टेंटपोल लार्वा था उसके एंटीरियर एंड पर कहते हैं थ्री एडहेसिव पेपलाई थी, वो क्या होती है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और इलांगेटेड होकर एक पेपलाई की फॉर्मेशन करती हैं। धीरे धीरे ये पेपलाई भी डीजनरेट हो जाता है, तीन से एक बना इलांगेटेड एडहेसिव पेपलाई भी क्या होता है डीजनरेट हो जाता है लास्ट में। नंबर फोर देखते हैं सेंसरी ऑर्गन एज ऑटोसाइट ऑसिलाई ब्रेक होकर डीजनरेट होने लगता है। हमने देखा था कि नर्व कॉर्ड में पाए जाने वाले सेंसरी ऑर्गन थे ऑटोसाइट और ऑसिलाई, वो भी बाद में जब मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होते हैं डीजनरेट होने लगते हैं। अब है हमारे नंबर टू प्रोग्रेसिव चेंजेस, तो देखते हैं इनमें न्यू स्ट्रक्चर कौन कौन से बनते हैं। नंबर टू प्रोग्रेसिव चेंजेस, लार्वा में अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ न्यू स्ट्रक्चर की नीड होती है एंड सम रिमाइनिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाते हैं और जो पहले से मौजूद जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है जो कंबाइंडली प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाते हैं। जो फॉलोइंग है नंबर वन देखते हैं तेल डीजनरेट होने के कारण इसकी बॉडी पियर शेप हो जाती है, जब लार्वा है उसकी टेल अलग हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है हेड पार्ट रह गया और ट्रंक वाला पार्ट रह जाता है वो पियर शेप नाशपाती की तरह दिखाई देने लगती है। इसके ऑल कॉर्नर पर और इसके जो चारों कॉर्नर होते हैं वहाँ पर लार्ज एम्पुला की फॉर्मेशन हो जाती है। एम्पुला का फंक्शन होता है अटैचमेंट कराना, क्योंकि यहाँ पर जो पेपलाई है वो कम्प्लीटली डीजनरेट हो चुके हैं, इसीलिए जो एम्पुला है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। आगे देखते हैं नंबर टू फोर एम्पुला अटैचमेंट एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एम्पुला होते हैं मोर वास्कुलर होते हैं इसीलिए रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। नंबर थ्री इनका टेस्ट ब्रेक हो जाता है तथा माउथ एंड क्लोका फंक्शनल हो जाते हैं और जो लार्वा को इंक्लोज किए हुए ट्यूनिक या टेस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और माउथ एंड क्लोका के होते हैं फंक्शनल हो जाते हैं और ये फेडिंग करने लगता है। फोर्थ हार्ट एंड पेरिकार्डियम बैंड अब्रप्ट हो जाती हैं और इसमें वास्कुलर जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। नंबर फाइव एनिमल की बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जब मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नंबर वन बॉडी प्रॉपर और नंबर टू फूड। जैसे आप देख सकते हैं हाइडवानिया की बॉडी जो ऊपर वाला पार्ट है वो बॉडी प्रॉपर होता है और नीचे वाला फूट होता है। आगे देखते हैं फूट अटैचमेंट में हेल्प करता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है एनिमल के लिए किसी भी सब्सटेंस से
अटैच होने के लिए। अब एसिडियन एक्टिव फिल्टर फीडर हो जाते हैं और जो एसिडियन है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद बने हैं वो फिल्टर फीडिंग करने लगते हैं एंड एज ए अडल्ट अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं, जिससे इनकी न्यू कॉलोनी फॉर्म होती है और इस टाइप से एसिडियन की कॉलोनी क्या होती है, फॉर्म होती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।